करगिल विजय दिवस, सलाम उन सब सैनिकों को, सलाम उन सब शहीदों को, सलाम उन सब को जिनके घर से चिराग उजड़ गया, लेकिन सलाम उन तिरंगे को जिसके नीचे खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं हमारे फौजी। तभी तो गाते हैं जनगण मन, तभी गाते हैं वंदे मातरम, तभी दिल से आवाज निकलती है भारत माता की जय। इसीलिए तो मैं कहता हूँ दोस्तों, जरा याद करो उनकी कुर्बानी, जिन्होंने देश के लिए अपने बदन को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को न्योछावर कर दिया और भारत माता की जयकार करते हुए सदा सदा के लिए हमारे बीच से चले गए। 25 और 26 जुलाई की वो रात हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक रात थी, जब पाकिस्तान को खदेड़ कर हमने कारगिल विजय दिवस मनाया था। ये अखनूर से लेकर कारगिल तक युद्ध हुआ था, लेकिन सियाचिन तक तनाव था। 160 किलोमीटर करगिल क्षेत्र LOC पर युद्ध चला था। 30,000 भारतीय सेना के जवानों ने युद्ध में भाग लिया। 527 सैनिक व सैन्य अधिकारी इसमें शहीद हो गए। 1363 से अधिक घायल हुए और 76 दिन तक ये युद्ध चला। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, पाकिस्तान ने दोस्ती के नाम पर खंजर घोपा और अपनी फौज के नाम पर आतंकवादियों को भारत के खिलाफ लड़ाया, लेकिन भारतीय फौजों ने उन्हें जो मुंह तोड़ जवाब दिया, आज तक भी पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा। और पाकिस्तान सिर्फ एक राग अलापता है कि कश्मीर हमारा है, जबकि उसकी एक गलत फहमी है, हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता के सिर का मुकुट है कश्मीर। लाख कोशिश कर ले पाकिस्तान, लेकिन उसके मंसूबे भारत की सेना, भारत के जांबाज और भारत का एक एक नागरिक कभी पूरा नहीं होने देगा। कैप्टन उमेश सिंह राठौड़ क्या बताते हैं, अखनूर की पहाड़ियों से दुश्मन अंधाधुंध गोलाबारी कर रहे थे, युद्ध दिन रात चल रहा था, हम पहाड़ी के निचले भाग में होने की वजह से दुश्मन को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन तिरंगा हमारी आंखों के सामने लहरा रहा था, खून हमारी रगों में बह रहा था और हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार थे। दुश्मनों पर हमारी पूरी निगाह थी, दुश्मन की पोस्ट के 8 बंकर हमारे सामने थे। मैंने अपने CO से बात की और टैंक भेदी गन को एक जगह सेट कराया। गन सेट करने के बाद चारों तरफ से फायर कराया तो सभी आतंकवादी फायर करने के लिए बंकरों में घुस गए। इसके बाद 1-5 बंकरों को नष्ट कर दिया, जिनमें करीब 30 आतंकवादी मारे गए। युद्ध में कई दुश्मन मार गिराए। नायक प्रहलाद खान को लेके हमने खो दिया। नागौर जिले का नायक प्रहलाद सिंह राठौड़ पूरी बहादुरी के साथ दुश्मनों से लड़ा था, लेकिन सिर में गोली लगने से नायक शहीद हो गया। 25-26 जुलाई की रात को हमें युद्ध के जीतने की सूचना मिली और हम सब ने मिलकर भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम के गीत से घाटी को गुंजा दिया। हिंदुस्तान का एक एक गली मोहल्ला और हिंदुस्तान का एक एक वासी, जिसके जुबान पर सिर्फ एक ही नारा था, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।